तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आज मैं गाइस आप लोगों को बताऊंगा, गाइस आप लोग Realme C33 जो फोन है इसमें गाइस आप लोग थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट सेटिंग्स आप लोग कैसे ले सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो गाइस जैसे ऐसा किया थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट हो रहा है, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस Realme C33 फोन में आप लोग थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट सेटिंग्स को कैसे इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई दिया, जैसे कि गाइस देख सकते हो यह है Realme C33 गाइस, ये कोई फेक वीडियो नहीं, यह है Realme C33 गाइस। जैसे मैं ऐसा करूंगा ना तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गाइस स्क्रीनशॉट सेटिंग हो रहा है। सो दोस्तों इससे पहले मैं कुछ दिन पहले ये वीडियो बना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ तरीका बताया था कि आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो और थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग कैसे ले पाओगे कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताया। सो दोस्तों वो वीडियो अगर आप लोग जाके वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। और गाइस उसमें मैं आप लोगों को थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग्स के बारे में नहीं बताया, उसमें मैं आप लोगों को थ्री फिंगर वो जो टॉपिक है गाइस थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का टॉपिक है। और गाइस उसमें थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग तभी नहीं था, ये अपडेट आने के बाद ही गाइस इसमें थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग आ चुके हैं। और गाइस ये आपको कैसे इनेबल करना है वो भी गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ज्यादा बकवास नहीं करते, सो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों मेरा नाम है यूसुफ अली और आप देख रहे हो HM टेक्निकल। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस देख लो ये है हमारा Realme C33 और गाइस इसमें देख सकते हो इसमें गाइस थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग जो गाइस यहाँ पे अभी मैं इनेबल नहीं किया, और गाइस इसमें मैं आप लोगों को आज डायरेक्ट इनेबल करके दिखा दूंगा कि इसमें थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग आप लोग एक्चुअली कैसे इनेबल कर सकते हो। सो दोस्तों ये करने के लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि आप लोग ऐसे करके ले सकते हो ऐसा करके ले सकते हो। तो दोस्तों इससे पहले जब मैं और भी एक वीडियो बनाया उसमें मैं आप लोगों को दो या तीन तरीके बता दिया कि आप लोग किस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन वो जो टॉपिक है गाइस थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वाला टॉपिक उसमें ये सेटिंग नहीं था, क्योंकि अभी इसमें एंड्रॉइड 12 के बाद 13 अपडेट आ चुका है ना, तो 13 में गाइस ये सेटिंग कंपनी ने इस फोन में प्रोवाइड कर दिया। और गाइस अगर आपका फोन में एंड्रॉइड 12 अपडेट है ना तो गाइस आप लोगों का फोन में ये सेटिंग नहीं होगा, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। और गाइस अगर आपका एंड्रॉइड 12 है तो जल्दी से गाइस 13 अपडेट करो, आपका फोन में भी ये सेटिंग गाइस आ जाएगा। सो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, ये जो अभी फोन है ये एंड्रॉइड 13 पर वेज है क्योंकि इस फोन में एंड्रॉइड 13 अपडेट में कर दिया। सो दोस्तों आपको सिंपल से सेटिंग में चला जाना है। तो गाइस यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ लेना है, गाइस यहाँ पे आपको एकदम लास्ट पे चला जाना है। गाइस यहाँ पे आपको लास्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है गाइस सिस्टम करके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको और भी एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका नाम है गाइस गेस्टर करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो नंबर पे गेस्टर का जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों सिंपल से आपको इस गेस्टर यहाँ पे चला गया, गेस्टर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे है गाइस थ्री पॉइंटर स्क्रीनशॉट, गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे। और गाइस मैं आप लोगों को ज्यादा घुमा फिरे के नहीं बता रहा, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है गाइस, आपको सिंपल सा ये जो सेटिंग्स एप्लीकेशन है गाइस आपको सिंपल सा सेटिंग्स एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है गाइस स्क्रीनशॉट करके। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे सर्च करूंगा ना, स्क्रीनशॉट सर्च करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं थ्री पॉइंटर स्क्रीनशॉट। और गाइस नीचे देख सकते हो ये जो सेटिंग एक्चुअली किस सेटिंग्स के अंदर है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम पे जाने के बाद गाइस गेस्टर पे जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे थ्री पॉइंटर स्क्रीनशॉट सेटिंग यहाँ पे आ चुके। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है ये जो सेटिंग गाइस यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे मैं जैसे नहीं इनेबल कर दूंगा गाइस देखोगे अभी मैं जैसे ऐसे करूंगा तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो चुका है, जैसे कि मैं फिर से करता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों ये आपके यहाँ पे बंद रहेगा, यहाँ पे बंद रहेगा जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और गाइस आपका फोन में जैसे ही एंड्रॉइड 13 अपडेट आ जाएगा तो गाइस ये जो ऑप्शन है सेटिंग है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, किसी किसी का बंद हो जाता है, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँ। सो दोस्तों अब मैं जैसे ऐसे करूँगा तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग जल्दी से एंड्रॉइड 13 अपडेट करा और उसके बाद गाइस ये सेटिंग आपको भी मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी Realme C33 फोन में थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग गाइस इनेबल कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।